ऑयल पेंटिंग आज मैं करने वाला हूँ आला प्राइमा मेथड से। आला प्राइमा में क्या होता है, हम एक सिटिंग में कंप्लीट करते हैं, वेट ऑन वेट रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक लेयर सूखे फिर हम सेकंड लेयर करें, ये टेक्निक नहीं होती। डायरेक्ट अप्रोच रहता है जिसमें हम डायरेक्टली पेंट को इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली हमें वैल्यूज जज करने हैं, डायरेक्टली हमें कलर्स बनाने हैं। तो ड्रॉइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कोई भी मीडियम कर लो, कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर लो, कुछ भी कर लो, ओके, आर्ट की फील्ड में अगर ड्रॉइंग नहीं है तो हर जगह से खाली हो आप। ये इंपॉर्टेंट है, ड्रॉइंग आप जितना हो सके प्रैक्टिस करो। ड्रॉइंग मतलब ओवरऑल जो आउटलाइन होती है, जो स्ट्रक्चर होता है फेस का, या कुछ भी, जो भी स्टिल लाइफ हो या कुछ भी हो, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है, जो आउटलाइनिंग होती है, उसको हम किस तरीके से कितना सुधारते हैं, कितनी डेली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऑलवेज फोकस ऑन योर ड्रॉइंग पार्ट। जनरली जब मैं कैनवास को स्टेन करता हूँ पेंटिंग करने के लिए तो मैं एक्रिलिक पेंट का इस्तेमाल करता हूँ, बट मैं आज ऑयल पेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका रीज़न मैं आगे आपको बताऊँगा। टर्पेंटाइन मैंने लिया है कलर को और फ्लूइड करने के लिए, ओके। और जब ये स्टेन हो जाए तो एक्स्ट्रा जो ऑयल है, एक्स्ट्रा जो गीलापन है, उसको हमें पोंछ देना चाहिए ताकि हमारे कलर ईजी लग सके। तो आप उसको पोंछ दीजिए, एक हल्का सा गीलापन रहेगा, बाकी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पोंछ देनी है। जो पैलेट है वो भी मेरा एकदम सिंपल सा है, ओनली 5 कलर में इस्तेमाल करने वाला हूँ, ओके। और जब भी आप स्टार्ट करो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फोकस करो लाइंस पे, कि कैसे सिंप्लीफाइड लाइंस की मदद से आप चीज़ों को डिफ़ाइन कर रहे हो। बिल्कुल भी शुरुआत से डिटेल के अंदर नहीं जाना है, हमें बस मार्किंग्स करनी है कि कौन सा फीचर कहाँ पर आएगा। तो रफली पे बस मैं बस मार्क कर रहा हूँ, और ब्रश मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 नंबर का फ्लैट ब्रश, ओके। ब्रश कोई सा भी ले सकते हो, ब्रांड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, फ्लैट ब्रश है और 1 नंबर का ब्रश है, बस ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि इससे इजीली लाइंस आप पतले लाइंस बना सकते हो। तो ये जो लाइंस बना रहा हूँ मैं ड्रॉइंग के तौर पर चीज़ों को सोच रहा हूँ कि कैसे इसकी ड्रॉइंग होती, रफली मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मार्किंग्स कर रहा हूँ मैं। और बर्नट अंबर की मदद से मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ। दोस्तों जब भी आप लाइव स्टडी करते हो, ठीक है, आप स्टिल लाइफ बना रहे हो, फिगर बना रहे हो, पोर्ट्रेट बना रहे हो, लाइव स्टडी जब भी कर रहे हो, आप भले ऑयल पेंट से कर रहे हो, पेंसिल से कर रहे हो, चारकोल से कर रहे हो, कुछ भी मीडियम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो लाइव, ठीक है, तो आपका जो ब्रश है या पेंसिल है, आपने देखा होगा कि हम स्टडी करते समय कभी भी पेंसिल को इस तरीके से नहीं पकड़ते, और ब्रश भी हम लॉन्ग हैंडल वाले लेते हैं, और लॉन्ग हैंडल वाले ही आपको लेने चाहिए, ओके। इसका 2 कारण है। जब भी आप पेंसिल को इस तरीके से पकड़ते हो या ब्रश को ऐसा पकड़ते हो तो हमारा जो दिमाग है वो डायरेक्ट डिटेल्स को देखना चालू कर देता है। तो हमें डिटेल्स को देखने से बचना है, हमें ओवरऑल पिक्चर को देखना है कि ओवरऑल जो हम डायग्राम, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर हम ओवरऑल चीज़ों को सही बना रहे हैं तो हम डिटेल में जाएंगे, तो डिटेल सही बैठेंगे। और एक फ़ायदा ये होता है कि लॉन्ग हैंडल के ब्रश होने से आपके और आपके पेंटिंग, आपका कैनवस के बीच में एक लंबा डिस्टेंस बनता है, जिसके कारण आप अपने पेंटिंग को और अपने सब्जेक्ट मैटर को पूरे अच्छे से ओवरऑल जज कर पाते हो। तो मैं अभी जल्दी जल्दी फोकस कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी डार्क होनी चाहिए या कितनी लाइट होनी चाहिए। जब भी आप आला प्राइमा से कर रहे हो तो आप लेयर वाइज तो करोगे नहीं, तो इसलिए आपको शुरू से ही देखना पड़ता है कलर के साथ साथ डार्कनेस और लाइटनेस भी। और कोई चीज़ रॉन्ग होती है तो आप इजीली इसको ऐसे पोंच सकते हो, क्योंकि आप ऑयल पेंट से डायरेक्ट ड्रॉ कर रहे हो, और साथ ही स्टेनिंग जो मैंने की वो ऑयल पेंट से की, तो कैनवास थोड़ा सा गीलापन रहता है कैनवास में, तो ईजीली इस तरीके से हम पोंच सकते हैं, ओके। तो इसलिए मैंने बोला कि जब भी आप स्टेन करो कैनवास को लाइव पोर्ट्रेट करते समय, जब आप ड्राइंग भी डायरेक्ट ब्रश से कर रहे हो तो इजीली इसको पोछा जा सकता है। और अभी आप देख रहे हो जैसे कि अब मैंने ब्रश को थोड़ा पास से पकड़ा है, क्योंकि अब मैं आईज़ को और थोड़ा ज़्यादा उसकी जो कंस्ट्रक्शन से उसको और ज़्यादा स्पेसिफिकली बना रहा हूँ, ओके। लेकिन बाहर से जब आप जज करोगे तब हमेशा ब्रश को दूर से पकड़ना, जब जब आप फिर धीरे धीरे अंदर जाते जाओगे और डिटेल की तरफ घुसोगे तब आप ब्रश को पास से पकड़ना। कैमल का ये ब्रश दिखाने के पीछे मेरा रीज़न है कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपका ब्रश कौन सी क्वालिटी का। ये जो कैमल का ब्रश मैंने दिखाया वो 15-20 रुपीज़ का जो मिलता है वही मैंने इस्तेमाल कर लिया। बस मैंने देखा कि उसके बाल जो हैं वो मुझे सही लगे, इस एरिया में इस्तेमाल करने लायक लगे। तो आपको भी वैसे ही करना है। अगर आपके पास कोई सा भी ब्रश है
लेकिन आपको लग रहा है उसकी शेप सही है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, तो डोंट थिंक कि मुझे कोई ब्रांडेड ब्रश चाहिए। अगर आपके पास कोई भी ब्रश है इस्तेमाल करो और बस शुरुआत करो, काम शुरू करो, ओके। किसी क्वालिटी या किसी ब्रांड के लिए रुकना मत, अपने काम को रोकना मत, किसी चीज़ के लिए भी काम चलते रहना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप पेंटिंग करो, खासकर लाइव जब आप कर रहे हो, फिगर हो या पोर्ट्रेट हो या स्टिल लाइफ हो, कुछ भी लाइव जो भी हो रहा है, मैं लाइव के बारे में आपको बहुत ये चीज़ें जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप बनाओ तो 2-4 कदम पीछे जाना और उसके बाद अपने वर्क को और अपने सब्जेक्ट मैटर को एक साथ एक फ्रेम में देखने की कोशिश करना। जितना बार आप पीछे जाके अपनी चीज़ों को एक साथ कंपेयर करोगे, उतना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को अच्छे से सही बना पाओगे, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ज़्यादा टाइम अपने सब्जेक्ट मैटर को देखने में बिताओ, उसको जितना ऑब्जर्व करो, भले वो स्टिल लाइफ बना रहे हो, फिगर बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो लाइंस है, उसको ज़्यादा ऑब्जर्व करना, यहाँ पे टाइम कम बिताना। मैक्सिमम लोग गलती यही करते हैं कि वो मैक्सिमम टाइम यहाँ बिताते हैं, यहाँ पे टाइम आपको कम बिताना है, ओके। मैक्सिमम टाइम आपको बिताना है अपने चीज़ों, अपने सब्जेक्ट मैटर को ऑब्जर्व करने में। बार बार पीछे जाओ, देखो कैसा आप सब सही लग रहा है आपके सब्जेक्ट मैटर और आपके पेंटिंग में, क्या सब ठीक है। अगर ठीक है तो सही है, कुछ गलत लग रही है, कुछ गलतियां लग रही हैं, तो वो पीछे से ही दिखेंगे। आप पीछे से गलतियों को अच्छे से देख पाओगे, वापस आओगे अपने कैनवास पे, चीज़ों को ठीक करोगे, और ये प्रोसीजर बार बार आपको करते रहना है। पीछे जाना है, आना है, ठीक करना है। डार्क एरियाज के लिए मैं रॉ उम्बर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ओके। एंड मैक्सिमम स्किन का पार्ट आपको लाइट रेड, येलो ऑकर प्लस वाइट से मिल जाएगा, एंड उसी में ही आपको डार्क और लाइट को मिक्स करके चीज़ें देखनी है। बेसिकली आपको फोकस करना होता है कि कौन सी एरिया में कितनी डार्कनेस है, और उसके बाद धीरे धीरे आप फिर वॉल्यूम ऐड करते हो, छोटे छोटे जो वेरिएशन से आप उसके बाद ऐड करते जाते हो, क्योंकि आला प्राइमा में लेयर्स आप नहीं करते हो, एक लेयर में करना होता है, तो आप उसी पेंट के ऊपर चीज़ें ऐड करते जाते हो। और इसका अपना ही मज़ा है, आला प्राइमा का इसलिए अलग ही मज़ा है क्योंकि आप को एक स्मूदनेस भी मिलती है आला प्राइमा में, और एक ब्रश मार्क भी मिलता है, पेंटरली लुक आता है। तो आला प्राइमा टेक्निक भी बहुत अच्छी चीज़ है, खासकर स्टडीज़ के लिए। रिगर ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, और इस तरीके के जो ब्रश होते हैं डिटेल एरिया में, छोटे एरिया में पतली लाइंस के लिए, इन जगहों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो आला प्राइमा जो टेक्निक है उसमें बेसिकली हमारे दिमाग में ड्राइंग ही चल रही होती है, हमारा ब्रश पेंट लगा रहा होता है, बट उस ब्रश को किस तरीके से फेस का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से हम चला रहे होते हैं। तो एक तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं पेंट की मदद से, ओके, वी आर ड्राइंग विथ पेंट्स। कलर यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखा रहा हूँ कलर, क्योंकि कलर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यूज़, कहाँ पे कौन सी चीज़ कितनी डार्क होनी चाहिए, कितनी लाइट होनी चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करता है। मैं रेड के जगह अगर मैं पिंक ले लेता हूँ, या ऑरेंज के जगह मैं अगर ग्रीन ले लेता हूँ, दैट डजेंट मैटर। अगर वैल्यू सही है, डार्कनेस और लाइटनेस सही है, तो कलर कोई भी लो, आपका रियलिज्म आ जाएगा। लाइव स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर आपके पास कोई पर्सन नहीं हो जो सामने बैठे, तो सबसे अच्छा तरीका लाइव स्टडी करने का वो है सेल्फ स्टडी, जब आप मिरर पे खुद को देखो और खुद को बनाने की कोशिश करो, और बिल्कुल भी भूल जाओ कि चीज़ें सही बनेंगी कि नहीं बनेंगी। मेन इंपॉर्टेंट बात है शुरुआत करना, चीज़ों को ट्राई करना, ओके। अब बैकग्राउंड को मैं कलर कर रहा हूँ, और बैकग्राउंड क्योंकि डल है, और डल रखना भी चाहिए ताकि हमारा जो मेन फोकस है वो चेहरे पे आए। और ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली ब्रश से ड्रॉ करो, आप आराम से पेंसिल से ड्रॉ करो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ड्राइंग पे फोकस बहुत करना है, ओके। जितना आप ड्राइंग पे फोकस करोगे उस हिसाब से आपके ब्रश भी चलेंगे, और ब्रश मार्क्स है और जो भी कलर वाला पार्ट है वो नेचुरली आपको आता जाएगा। तो ऑलवेज फोकस ऑन ड्राइंग।
दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो। मुझे इंस्टाग्राम में दोस्तों ज़रूर फॉलो कर देना, मैं वहाँ पे आर्ट के कंटेंट डालते रहता हूँ और लाइव सेशन करता हूँ आर्टिस्टों के साथ, आप लोगों के साथ भी लाइव सेशन में करता रहूँगा आगे चल के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कर दो, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कॉमेंट करने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग जो सपोर्ट करते हो इसी के वजह से मैं और अच्छे अच्छे वीडियो ला पाता हूँ, मुझे एनकरेजमेंट मिलते रहती है, मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के भी। अगर आपको कोई डाउट भी है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर लिखना, उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो लाऊँ ताकि आपके सारे प्रॉब्लम में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता भी रहूँ। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स लिखो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।